तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे के छाती में कफ जम जाता है तो आप किस तरह से उसे दूर कर सकते हैं। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में अक्सर बच्चे के छाती में जो है कफ जम जाता है, उसे घर घर की आवाज़ आती है, तो कुछ घरेलू उपाय करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस पर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ और आज एक अलग तरीके से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप छाती जम में अगर कफ जम जाता है तो किस तरह से आप उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बोतल जिसमें हमने कर दिया है पानी गर्म। ये गर्म पानी का बोतल है जो अगर बच्चे के छाती में कफ जम जाता है तो वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये हॉट वाटर बैग इस तरह का है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक का एक हॉट वाटर बैग आता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बैग आप यूज कर सकते हैं। अगर वो भी आपके घर पे नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं, ये जो था मेरा बहुत पुराना है, वह फट गया है तो मैं इसको अब यूज नहीं करती हूँ, तो उसके जगह पे मैं ये पानी का जो बोतल है गर्म करके इसी को मैं यूज करती हूँ। ये सिंपल जो है आपके घर में मिल जाएगा। ये मैगी का है, मतलब सॉस का बोतल है, ये हर किसी के घर में रह जाता है। कोई भी वाटर बोतल आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा, बच्चों के लिए है तो आपको छोटा बोतल ही काम होगा। और इसमें आपको गर्म पानी रखना है। बोतल में अगर एक बार पानी आप गर्म कर देते हैं तो ये बहुत देर तक रहता है, बहुत गर्म रहता है। और ये चेक कर रहना है कि बात पानी का बोतल हो ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल जब बच्चे का स्किन जो है सह सके। देखिए इस पर इस बार चेक करना है और इसको आपको इस तरह से देख कर रखना है, मतलब सुसुम होना चाहिए पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने दूसरा लिया है ये विक्स रैब। देखिए बेबी रब है विक्स, जो हम लोग अक्सर बच्चों के छाती में लगाते हैं जब कफ जम जाता है या फिर सर्दी जुकाम हो जाती है, तो ये विक्स का जो है बेबी रब है। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए बारहवीं का जब भी खांसी सर्दी होता है तो मैं बहुत सारे घरेलू उपाय करके ही इसका ठीक कर देती हूँ, डॉक्टर के पास बहुत कम ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये विक्स का जो बेबी रब है इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से हाथ में लेना है और बच्चे के छाती पर लगाना है। मैं लगा कर बता रही हूँ, हटा दो बेटा। देखिए इस तरह से आपको बच्चे के छाती पे लगाना है। देखिए इस तरह से छाती पे लगाना है और छाती पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये गर्म पानी का बोतल लेना है। अगर बच्चा छोटा है और पानी बोतल ज़्यादा गर्म है तो आप शायद कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं आपको रख के बता रही हूँ, देखिए इस तरह से छाती के ऊपर आप रखो रखना है और इस तरह से इसको लुढ़ाते रहना है इस तरह से छाती के ऊपर। तो क्या होगा, पानी का बोतल से जो है वो कफ जो है यहाँ पे गर्माहट छाती को मिलेगी तो कफ पिघलेगा और पिघल के चला जाएगा पेट में। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो बच्चे का सर्दी जो कफ जमा रहता है, घर घर की आवाज़ आती है, उसमें जो है वो काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से आपको गर्म बोतल को इस तरह से बच्चे के कपड़े के ऊपर रख कर इस तरह से करना है और इसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। रात को सोते समय आपको ज़रूर करना है क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे रात होती है, बच्चों का कफ जो होता है बढ़ता है। आपने गौर किया होगा तो बच्चे जो है रात को ज़्यादा खांसता है, तो अगर आप सोने से पहले इस तरह से कर देंगे तो बच्चे का कफ जो है वो पिघल जाएगा और बच्चे को रात में आराम मिलेगा सोने में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रात को देखते होंगे उठ उठ के खांसता है, तो इससे जो है वो बहुत आराम मिलता है। बारहवीं भी कुछ दिन पहले बहुत खांस रही थी, रात को भी वो बहुत देर तक खांसती थी, तो मैंने यही सारे घरेलू उपाय करके इसका ठीक किया। अभी भी देखिए खांसती है, चुरा चुरा कर जो है ये चॉकलेट टॉफी खा लेती है फ्रिज का सामान, इसलिए ये खांसती है। तो बच्चे को जो है फ्रिज का सामान मतलब फ्रिज, अगर बच्चे फ्रिज का सामान खाता है तो उसे फ्रिज का सामान खाने से रोके। और फल अगर बच्चे को आप देते हैं तो दोपहर में दे, सुबह शाम बिल्कुल न दे, और फ्रिज से डायरेक्ट निकाला हुआ फल बच्चे को या फिर आप भी मत खाएं, क्योंकि सर्दी में जो है वो फ्रिज का सामान जो होता है बच्चों के लिए या फिर आपके लिए भी जहर के सामान होता है, तो फ्रिज से डायरेक्ट निकाला हुआ सामान आपको नहीं खाना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बच्चे का सर्दी खांसी जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो देखिए इस तरह से बच्चे की छाती में आपको गर्माहट मिलेगी और ये फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे के से, अगर आपके बच्चे को छाती में कफ जम जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये तरीका अपनाकर आप बच्चे के खांसी को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि किस तरह से हम अपने बच्चे के अगर खांसी होती है, छाती से घर घर की आवाज़ आती है तो क्या कर सकते हैं। तो ये घरेलू उपाय था। तो ये था घरेलू नुस्खा। अगर बच्चे के, याद रखें कि अगर बच्चे को कम खांसी है, कम कफ है, तो ये घरेलू नुस्खा ज़रूर फ़ायदा करेगा। अगर बच्चे को ज़्यादा खांसी हो जाती है, बच्चे को ज़्यादा घर घर की आवाज़ आने लगती है, तो फिर तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल जरूर रखें। तब तक के लिए बाय बाय।